हेलो क्लास 12th, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। एज वी नो कि हमने हमारे जितने भी प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। सो प्रिपरेशन मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेल्केन्स दोनों ही ख़त्म हो गया है। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। सो आज हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज दैट कि जितने भी हमारे एलाइल हैलाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। कलरलेस का मतलब उनमें कोई कलर नहीं होता है। एंड दिस इज कब होता है, जब वो बिल्कुल प्योर होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होते हैं कि ऑल आर कलरलेस। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ कि जो भी हमारे एल्काइल हैलाइड्स हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। बट अगेन हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं एंड केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन तो कम्प्लीट ही नहीं हो पाती। सो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि जो हमारे ब्रोमाइड एंड आयोडाइड होते हैं वो कलर हो जाते हैं, फिर कलर ऑप्टेन कर लेते हैं। कब, जब इन्हें लाइट में एक्सपोज किया जाता है। मतलब अगर आप इनको जब लाइट में रखेंगे देन दे रिएक्ट विथ एयर एंड रिएक्ट विथ सम सनलाइट, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, थोड़े कलरफुल हो जाते हैं। तो देयर इज एक्सेप्शन। सो फ्रॉम हेयर हमारा जो फर्स्ट टॉप पॉइंट है वो क्लियर होता है कि जो भी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, कलरलेस। कब, जब वो बिल्कुल प्योर हैं। एंड जब भी हम आयोडाइड्स को या ब्रोमाइड्स को एयर में की कॉन्टैक्ट में लाते हैं या फिर सनलाइट में उसको रखते हैं देन दे बिकम कलरफुल। जो हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है कि वोलेटाइल हैलोजन्स। वोलेटाइल जो बेटा इवेपोरेट जाते हैं, जैसे कि आप उन्हें हीट देते हैं देन वो भाप बन के उड़ जाते हैं। सो वोलेटाइल हैलोजन्स जो होते हैं दे हैव अ स्वीट स्मेल, उनमें थोड़ी सी एक अच्छी सी स्मेल आती है उनसे, ठीक है। सो ये दो फिजिकल प्रॉपर्टी थी। सो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो जो बेटा हमारे इनिशियल एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, इनिशियल एल्काइल हैलाइड्स किनको बोलते हैं, जैसे कि हमारे मिथिल एंड एथिल ग्रुप। बिकॉज इनमें क्या होगा, कार्बन ऑफ नंबर कितने होंगे, मैक्सिमम 1 और 2, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे मिथिल एंड एथिल में। सो जो इन्हें क्या बोलते हैं, हमारे इनिशियल एल्काइल हैलाइड्स। सो जितने भी इनिशियल एल्काइल हैलाइड्स होते हैं दे आर द गैसियस एट द रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पे वो कैसे होते हैं, गैसेस के फॉर्म में होते हैं। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनिशियल एल्काइल हैलाइड्स, जिसमें आपको देख रहे होंगे दिख रहा होगा कि कार्बन नंबर कितने हैं, मैक्सिमम 1 और 2, एथिल और मेथिल कार्बन है यहाँ पर। सो हमारे जो इनिशियल एल्काइल हैलाइड्स होते हैं दे आर द गैसियस फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर। एंड जैसे जैसे बटे जब इसमें हम कार्बन के नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे, जैसे अभी यहाँ पे एथ मेथ है, फिर जैसे ये प्रोप ब्यूट यानी कि आगे के आगे तरफ बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो वहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में जो इंट्रा मॉलिकुलर स्पेस है या फिर सॉरी जो इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स है इनके बीच में, वो वंडरवॉल फोर्स होता है, वो भी धीरे 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 क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है। तो जैसे जैसे वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे ये गैसेस से कन्वर्ट होने लगते हैं, या तो लिक्विड में या तो फिर सॉलिड में, बिकॉज जो भी फोर्स है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके सो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट भी हमारे यहाँ से क्लियर होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे, जो मैंने लिख दिया यहाँ पर बेटा, वैसे वैसे जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स है वो क्या होते हैं, लिक्विड या सॉलिड स्टेट में चेंज होते हैं। रीजन भी मैंने यहाँ पे लिखा है बिकॉज जो वंडरवॉल फोर्सेज हैं या फिर हम इन्हें अदर टर्म भी दे सकते हैं, दैट इज द इंटर मॉलिकुलर फोर्स, वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे कार्बन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो गैसेज से लिक्विड की तरफ हो जाएंगे, एंड अगर और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे तो देन वो फॉर्म द सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट एज फिफ्थ पॉइंट इज रिलेटेड विद द साइज ऑफ एटम, हैलोजन एटम। जैसे कि हमें पता है बेटा हमारे एल्काइल हैलाइड्स हैं तो उनमें हैलोजन लगे हुए हैं, एंड एज वी नो कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है आपका एफ, राइट, एंड सबसे लार्जेस्ट क्या है आपका आई। तो आप जैसे 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 ऊपर से नीचे एफ सी एल बी आर आई ऐसे ऐसे आते जाते हैं तो साइज ऑफ अ एटम भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाते हैं। सो फिफ्थ पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ कि जैसे जैसे साइज ऑफ हैलोजन एटम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी साथ में इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे साइज़ बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वंडरफॉल फोर्सेज है वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है। ओके वन मोर पॉइंट, अगर हम इसी को अगर इंक्रीजमेंट हो रही है कहाँ से, जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स हैं अगर
हाइड्रोजन के एटम का बेटा इंक्रीजमेंट हो रहा है फ्रॉम एफ टू आई, ठीक है। और अगर हम ये डिक्रीज ऑर्डर मानेंगे कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए एल्काइल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ कैसा हो जाएगा, फ्रॉम आई टू एफ, राइट। ओके सो ये लिखा हुआ बेटा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन दिस ऑर्डर, फर्स्ट हमारा क्या है एल्काइल आयोडाइड, देन एल्काइल ब्रोमाइड, देन एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड। ओके सो जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट वैसे वैसे बढ़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वैसे वैसे बढ़ता जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर डिक्रीजिंग उल्टा अगर हम नीचे से देखना चाह सकते तो सबसे ज़्यादा किसका होगा यहाँ पर आयोडाइड का, देन ब्रोमाइड का, देन एंड सबसे कम क्या होगा फ्लोराइड का, राइट। आप चाहे इधर से देखेंगे तो भी वही बात है बेटा, एंड अगर जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि एफ से आई की तरफ भी आएंगे तब भी वही बात है, सबसे कम किसका है एफ का, एंड देन आई सॉरी देन सी एल देन बी आर देन आई, बिकॉज धीरे 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 क्या आ रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। ओके अब सिक्स पॉइंट इज दिस, ऑन कंपेयरिंग विद हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास विद एल्काइल हैलाइड्स, अगर एक ऐसा एटम या ऐसा मॉलिक्यूल है हमारे पास बेटा जिसमें हाइड्रोकार्बन्स एंड जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स हैं उनका मॉलिकुलर मास जब हम निकालें तो वो ऑलमोस्ट क्या हो इक्वल निकल कर आए, ठीक है। सो दो ऐसे कंपाउंड है हमारे पास जिनका मॉलिकुलर मास क्या है ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल, ओके। और एक कैसा है हमारा सिर्फ हाइड्रोकार्बन और एक हमारा एल्काइल हैलाइड। सो जब भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा वहाँ पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एल्काइल हैलाइड्स का ज़्यादा होगा किससे हमारे हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि आपको देखें मैंने यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लिया और एक सिर्फ नॉर्मल हमारा क्या हाइड्रोकार्बन। सो एक अप्रॉक्स इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो इट्स मॉलिकुलर मास विट शुड बी अराउंड 50, ओके। और अगर आप इसका मॉलिकुलर मास निकालने लेंगे तो इट अराउंड 42-43 समथिंग। सो अगर आप देखेंगे तो मॉलिकुलर मास एक एवरेज है और एक कंपेरेबल मॉलिकुलर मास अगर जब भी निकल कर आएगा सो उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका हायर होगा, हमारे एल्काइल हैलाइड्स का हायर होगा इन कंपेरिजन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ओके। ओके सो रीज़न क्या है इसके पीछे कि क्यों जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है हमारे एल्काइल हैलाइड्स का ज़्यादा क्यों होगा, वो रीज़न ये है बेटा कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें क्या से वर्क कर रहा है, सिर्फ वन डर वाल फोर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको बताया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वन डर वाल फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। बट जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स हैं आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए, हैलाइड्स मतलब हैलोजन्स एंड हैलोजन्स आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, राइट। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर वो जिसके साथ भी बॉन्डिंग बनाएंगे वो पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली निगेटिव हो जाते हैं, जिस वजह से उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। सो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो हमारी सॉलिड स्टेट की थी उसमें आपको बताया था कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ऑल्सो अ वीक अट्रैक्शन है, बट वीक फोर्स है वो, लेकिन फिर भी वो किससे ज़्यादा होता है वन डर वाल फोर्स से वो ज़्यादा होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है हमारे एल्काइल हैलाइड्स के ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि एल्काइल हैलाइड्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वर्क करता है एंड हमारे हाइड्रोकार्बन्स में ओनली वन डर वाल फोर्स वर्क करता है, एंड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे वन डर वाल फोर्स से, ओके। सो डायपोल डायपोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू वन डर वाल फोर्स, इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे एल्काइल हैलाइड्स का ज़्यादा होता है, फाइन। ये जो बेटर रीज़न मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि अक्सर ही रीजन पूछ दिए जाते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। सो आप इसे ध्यान में रखें। सो नेक्स्ट पॉइंट इन अवर फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इज आइसोमेरिज्म ऑफ एल्काइल हैलाइड। आइसोमेरिज्म का आपने नाम सुना बेटा, आपको यहाँ पे थ्री स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाले में कोई ब्रांचिंग नहीं है, नेक्स्ट में ब्रांचिंग एंड देन एक और ब्रांचिंग है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स को चेक करें, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन एंड 1 2 3 4 कार्बन। सो आप नंबर ऑफ कार्बन्स को चेक करते हैं, एल्काइल हैलाइड्स के नंबर को चेक करें, हाइड्रोजन के नंबर को चेक करें, तो वो ऑलवेज क्या है यहाँ पर इक्वल है। आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो तो इक्वल होते हैं बट जो उनका स्ट्रक्चर है वो क्या होता है हर बार अलग अलग होता है। आपके यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर उससे अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, इसीलिए सब क्या है एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। सो ऐसा जब भी होता है कि आइसोमर्स होंगे हमारे एल्काइल हैलाइड्स के, सो जो जिनमें बेटा ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, इंक्रीज इन ब्रांचिंग कार्बन चेन में जब भी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कम होते जाएंगे एंड जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम
होता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो फर्स्ट है यहाँ पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, जिस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे और ब्रांच हो जाएगा तो जैसे फर्स्ट यहाँ पर ब्रांचिंग आपको दिखाई दे, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट उससे भी कम। जैसे 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 ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे क्या हो जाता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट धीरे 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 कम होते चले जाते हैं, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका एंड देन सेकंड का एंड देन इधर, ठीक है, ओके। सो इंक्रीजेज इन ब्रांचिंग, जैसे जैसे आपकी एल्काइल हैलाइड्स में ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वैसे 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 कम होता जाएगा, फाइन। ये एट्थ पॉइंट हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, जैसे कि बेटा आपके यहाँ पे थ्री स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर क्लोराइन क्लोरीन का यूज़ किया वो कहाँ पर है, और द एड ऑर्थो पोजिशन, नेक्स्ट मेटा पोजिशन एंड देन पैरा पोजिशन, ठीक है। सो जब भी ऐसा होगा बेटा कि एक आइसोमेरिज्म है डाई हेलो, यहाँ पे किसका डाई, एक डाइस हेलो बेंजीन का यहाँ पे आइसोमर दिखाया गया, जहाँ पे पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। सो इन तीन पोजीशन में से सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल शेप आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑफकोर्स अवर पैरा पोजीशन, क्योंकि पैरा पोजीशन पे बहुत फेस जो है बहुत सिमेट्रिकल इन शेप है, एंड इसकी वजह से बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल शेप जो हमारे क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो उसमें बहुत कंपरेटिवली ऑर्थो एंड पैरा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री और के वजह से जो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है हमारे, ठीक है। बिकॉज हमारा जो पैरा सब्सटीट्यूटेड है सोल्यूशन से, या पैरा पैरा सब्सटीट्यूटेड जो डाई हेल डाई डाई बेंजीन है, उनका क्या होगा बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, हाईएस्ट हो जाते हैं कंपेयर ऑफ दिस। इसका सेकेंड रीज़न एक और हो सकता है कि जो आपकी पैरा पोजीशन है या तो फिर जो आपकी ऑर्थो पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत पास पास है, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसकी वजह से इनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से ये अनस्टेबल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन जो आपकी यहाँ पर है एंड ये यहाँ पर बेटा, ये ऑफकोर्स दूर में तो है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन पर बहुत दूर दूर तो है, बट फिर भी इनके बीच में थोड़ा बहुत रिपल्शन लगता ही रहता है, तो जिसकी वजह से ये भी क्या होता है, प्रॉपर स्टेबल नहीं होता। बट अगर इस पोजीशन की बात करें, सो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर होता है एंड जस्ट अपोजिट है, सो किसी प्रकार का अट्रैक्शन इनके बीच में नहीं लग रहा होता है, ठीक है। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारे पैरा सब्सटीट्यूटेड एलिमेंट्स हैं, पैरा सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ओके। सो बेटा जो मैंने अभी जो आपको पॉइंट बताया है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें तो आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा कि मेल्टिंग पॉइंट पैरा पोजीशन की बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप अगर बुक में भी देखेंगे तो आपको एग्जांपल में यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका कितना है, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो एग्जैक्टली ऑफकोर्स हाई होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में ऑलमोस्ट रियरली सेम होते हैं, बिकॉज बहुत पास पास होते हैं, तो उतना ज़्यादा इंक्रीजमेंट हमारे बॉइलिंग पॉइंट में नहीं होता, बट ऑफ कोर्स मेल्टिंग पॉइंट पैरा सब्सटीट्यूट का सबसे ज़्यादा होता है। पर बॉइलिंग पॉइंट क्यों कहते हैं, ऑलमोस्ट सेम सेम रहता है, इंक्रीजमेंट होता है या फिर नहीं भी जो होती है वो बहुत रेयर होती है, तो इसलिए हम ऑलमोस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको सेम रखते हैं। और मैं लिख देती हूँ ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम हमारा बॉइलिंग पॉइंट किसी भी ऑर्थो पैरा और मेटा का ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पैरा पोजीशन का सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद द डेंसिटी, डेंसिटी क्या है बेटा, जो हमारे आइडो ब्रोमो होते हैं या फिर जो डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स के, वो कैसे होते हैं, हैवियर होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरी बात कि जो डेंसिटी है वो बढ़ कैसे रही, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाते हैं या फिर एक बिगर साइज़ का एटम, साइज़ ऑफ हैलोजन में जैसे 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 इंक्रीजमेंट होता जाएगा, पहले जो साइज़ है फ्लोरीन छोटा, देन उसके बाद क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, तो जैसे 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 अगर क्या होगा कि स्मॉलर साइज़ से वो हायर की तरफ जाते जाते हैं, वैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है, एंड नंबर ऑफ़ कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे भी डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो दोनों ही टर्म में नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़े या फिर हैलोजन स्मॉल से बिग वाला हैलोजन लग जाए, डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ओके। सो इट्स क्लियर कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन्स इंक्रीज़ होंगे एंड द साइज़ ऑफ हैलोजन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है। सो दैट्स द नाइन्थ पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी, ओके। तो सॉल्युबिलिटी की बात करें बेटा, सो जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं तो वो तो वाटर में बहुत ही कम, बहुत बहुत
स्लाइडली सॉल्युबल हैं या फिर बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। रीज़न क्या है बेटा, जैसे कि आपको पता है कि जो वाटर है, ठीक है, वाटर का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए, जैसे अगर कोई वाटर में हम कोई चीज़ डिजॉल्व कर रहे हैं, सो वाटर में डिजॉल्व करने में क्या होना चाहिए, वो वाटर में जाकर ब्रेक हो जाए, ठीक है। सो जो भी चीज़ वाटर में डिजॉल्व की जाती है बेटा, वो वाटर में जाकर पहले टूटनी चाहिए, आयंस में उनमें अलग अलग हो जाए, देन जाके जो वाटर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन करता है तब वो जाकर उनमें सॉल्युबल हो जाती है। जैसे कि हम NaCl को अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो Na+ एंड Cl- में डिजॉल्व हो जाते हैं, टूट जाते हैं, देन इट शुड बी डिजॉल्व, राइट। बट जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जो हम उनका RX बॉन्ड होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता कि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ सके, जिसकी वजह से वो उसमें सॉल्युबल नहीं हो पाता है, ठीक है। सो एल्काइल हैलाइड्स आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। एंड वहीं अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस की बात करें, जैसे कि हमारा टॉलुइन हो गया, बेंजीन हो गया, या फिर क्लोरोफॉर्म हो गया, सो ये सब कैसे सॉल्वेंट्स होते हैं, इन सॉल्वेंट्स में जो हमारे ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं ये सारे, तो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारे एल्काइल हैलाइड बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं या फिर सॉल्यूशन में वो घुल जाते हैं, बिकॉज वहाँ जो उनका बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन द बेंजीन या क्लोरीन या फिर जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के जो बॉन्ड होते हैं उनके बीच के इंट्रैक्शन को एल्काइल हैलाइड बहुत अच्छे से ब्रेक कर पाते हैं, इसी वजह से वो उनमें टोटली डिजॉल्व हो जाते हैं। तो अगर इन वर्ड वर्ड मैं बोलूँ, सो जो एल्काइल हैलाइड्स हैं वो वाटर में बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होते या फिर बहुत स्लाइडली डिजॉल्व होते हैं, एंड इन ऑर्गेनिक सोल्यूशन वो बहुत ईजिली उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। सो फ्रॉम हेयर मैंने लिखा है एल्काइल हैलाइड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। लेस सॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि बेटा हमने अगर प्रीवियस चैप्टर सॉलिड स्टेट में बात की थी अबाउट दैट, कि जो हमारे थ्री टाइप्स ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्स हैं, कौन कौन से, डाइपोल फोर्स या फिर वैंडरवाल फोर्स या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या होती है बेटा, इनमें तीनों ही क्या है, एक प्रकार से वीक फोर्सेज है, पर इन तीनों में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, राइट। सो वाटर में हमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है एल्काइल हैलाइड्स, जो कि में एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, तो वो उनमें इतनी ज़्यादा पावर या फिर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि वाटर में है उनको ब्रेक कर सकें। वो अगर उनके बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो ऑफकोर्स वो उनमें डिजॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। इसीलिए हमारे एल्काइल हैलाइड्स वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। और वहीं ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में मेनली वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, एंड जो एल्काइल हैलाइड्स हैं वो मैंने भी प्रीवियस आपको बताया कि डायपोल डायपोल शो करते हैं, डायपोल ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ वंडरवॉल, जिसकी वजह से वो उसको तोड़ पाते हैं, ब्रेक कर पाते हैं, एंड उनमें डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स, ओके।